नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा है। हरियाणा को महंगाई बेरोजगारी में उन्होंने नंबर वन बता दिया है। एक बार फिर से सरकार पर निशाना साधा, देश में एनडी गठबंधन की सरकार बनने का उन्होंने दावा कर दिया। संविधान बचाने के लिए इंडिया गठबंधन इकट्ठा हुआ है, उन्होंने कहा। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से ये तमाम बातें कही गई, जिस दौरान उन्होंने सरकार पर निशाना भी साधा। हरियाणा में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है, ऐसा कहते हुए नजर आए हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। बड़ी खबर उस वक्त की आपको यमुनानगर से बता रहे हैं। संविधान बचाने के लिए इंडिया गठबंधन एकजुट हुआ है, भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से कहा गया है। नेता विपक्ष हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा के पूर्व सीएम, जिनकी तरफ से ये तमाम बातें कही गई हैं। और इसके साथ ही उन्होंने हरियाणा को बेरोजगारी और महंगाई में नंबर वन बता दिया है, जमकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। यमुनानगर में कार्यक्रम था जहां पर जनता को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने ये तमाम बातें जो हैं वो कही हैं। दस साल से डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, आज क्या हालत है? आज किस चीज में ये नंबर एक हो गया हरियाणा? आज बेरोजगारी में नंबर एक है देश में हरियाणा, आज महंगाई में, और कानून व्यवस्था तक तो कोई चीज रही नहीं। तो ये आज परिस्थिति है। मैं खड़गे साहब को बताना चाहता हूं, इस किस्म की परिस्थिति है और आज काफी गंभीर सिचुएशन है। आज दुनिया, हमारा पूरा हरियाणा नहीं, पूरा देश खड़गे साहब आपकी ओर देख रहा है, कांग्रेस पार्टी की ओर देख रहा है, इंडिया अलायंस की ओर देख रहा है। जो खबरें मिल रही हैं उसके आधार पर मैं आज कहकर जा रहा हूं, केंद्र में इंडिया अलायंस की, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। दस साल से डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, आज क्या हालत है? आज किस चीज में ये नंबर एक हो गया हरियाणा? आज बेरोजगारी में नंबर एक है देश में हरियाणा, आज महंगाई में, और कानून व्यवस्था तक तो कोई चीज रही नहीं। तो ये आज परिस्थिति है। मैं खड़गे साहब को बताना चाहता हूं, इस किस्म की परिस्थिति है और आज काफी गंभीर सिचुएशन है। आज दुनिया, हमारा पूरा हरियाणा नहीं, पूरा देश खड़गे साहब आपकी ओर देख रहा है, कांग्रेस पार्टी की ओर देख रहा है, इंडिया अलायंस की ओर देख रहा है। जो खबरें मिल रही हैं उसके आधार पर मैं आज कहकर जा रहा हूं, केंद्र में इंडिया अलायंस की, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तो हरियाणा को महंगाई बेरोजगारी में नंबर वन तो बता ही दिया और इसके साथ ही इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है, इस बात का दावा भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से किया गया है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जब यमुनानगर में जनसभा को संबोधित करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तमाम बातें कही और एक बार फिर से उन्होंने ये दावा कर दिया कि एनडी गठबंधन की सरकार बनेगी।